नंबर 13 है, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट टू स्लीप, लेकिन सोया, एंड वेस्ट टाइम, और टाइम वेस्ट किया। नथिंग बट के बाद इंफिनिटिव की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा आई डिड नथिंग बट स्लीप एंड वेस्ट टाइम, मैंने कुछ नहीं किया, सोने और टाइम बर्बाद करने। नेक्स्ट है, आई होप टू थॉरली रीड दिस बुक इन अ वीक। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ब है जो आई होप, मैं आशा करता हूं, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव तो लगाया, लेकिन वर्ब कहाँ है, वर्ब है यहाँ, तो यहाँ से उठकर ये इन्फिनेटिव आ जाएगा टू रीड, क्योंकि हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब से ही पहले आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, बड़ी गहनता से टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ने का, इन अ वीक, एक हफ्ते में। नेक्स्ट है, एवरीबडी डिजायर्स मेक मनी एंड बी रिच। हर आदमी आशा करता है कि वो पैसा कमाए और धनी हो। ध्यान दे, दो काम करना चाह रहा है वो, पैसा कमाना भी चाह रहा है और धनी होना भी चाह रहा है। जब वो दोनों काम चाह रहा है तो केवल एक इन्फिनिटिव जरूर लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि डिजायर्स भी एक वर्ब है और उसके बाद मेक भी एक वर्ब है, इन दोनों के बीच में हमें एक इन्फिनिटिव टू लगाना होगा और काम हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर यहाँ पर कोई दूसरा एक और वर्ब होता जो इसके अपोजिट सेंस कर रहा होता, जैसे मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, तो डिफरेंट बातें होती, तो यहाँ पर भी हमें एक इंफिनिटिव देना होता। क्योंकि दोनों वर्ब का संबंध एक से ही है, पैसा कमाना और धनी होना, तो केवल एक इंफिनिटिव से काम चलते है ना, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है, ही केम फॉर टीचिंग मी, वो मुझे पढ़ाने के लिए आया, इसी के लिए तो इंफिनिटिव का यूज होता है, ही केम टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाने आया। जगदीश डेयर्स नॉट टू अटर अ वर्ड, जगदीश ने साहस नहीं किया, डेयर्स के बाद कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जगदीश डेयर्स नॉट, जगदीश साहस नहीं करता है अटर अ वर्ड, एक भी शब्द बोलने का। ही बेट मी टू लीव द रूम, बिट के साथ भी इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, तो ही बेट मी लीव द रूम, है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है, ही वांट्स टू इमीडिएटली सी हिज अंकल, वो तुरंत अपने अंकल को देखना चाहता है, लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब है सी, जो कि बाद में है एडवर्ब के, और इन्फिनेटिव रह गया पहले, तो यहां से हटाएंगे इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव वर्ब से पहले लाएंगे। ही प्रॉमिस्ड टू हैव गिवन मी अ पोस्ट, उसने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे पोस्ट देगा, तो ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है, तो केवल टू गिव से काम चल जाएगा। ही प्रॉमिस्ड टू गिव मी अ पोस्ट, उसने मुझे पोस्ट देने का वादा किया। नेक्स्ट है, ही केम टू ईट टू ड्रिंक एंड टू बी मैरी, वो आया खाने के लिए पीने के लिए और एंजॉय करने के लिए, तो तीनों बातें एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि तीनों काम एक जैसे हैं, तो केवल एक इन्फिनिटिव से काम चलाएंगे, क्या हो जाएगा, ही केम टू ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ओके। नेक्स्ट है, ही हैड नो बैग टू लाइट, इस तरह के सेंटेंसेस में एक प्रीपोजिशन का जरूर यूज करेंगे, इससे वाक्य पूरा हो सके, तो उसके पास कोई बेड नहीं था, काय के लिए, सोने के लिए, जिसमें वो सोता, लाई इन, अभी कंप्लीट हुआ। लेट दिस एप्लीकेशन टू बी सेंट टू द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ध्यान दें लेट वाले सेंटेंस में भी इंफिनिटिव का यूज नहीं किया जाता, तो लेट दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को बी सेंट, भेज दिया जाए टू द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, स्कूल के इंस्पेक्टर्स के पास। आई बीहेल्ड, यहाँ भी बीहोल्ड के साथ भी ध्यान दें इन्फिनेटिव नहीं लगता, आ क्रोकोडाइल, मैंने एक मगरमच्छ को देखा, टू राइज आउट ऑफ द वाटर, तो टू की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से बाहर आते हुए, तो बीहोल्ड के साथ भी इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। और लास्ट है, आई वॉन्ट आई स्टिक, मैं एक डंडा चाहता हूँ, टू वॉक विद, इसके साथ में चल सकता, तो यहाँ भी हमें प्रीपोजिशन का यूज करना होगा इस सेंटेंस का अर्थ क्लियर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो सुपर थैंक्स भी कह सकते हैं। बाय, लॉट्स ऑफ लव।